हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ पालक की नई तरीके की सब्जी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं फ्रेश पालक को चॉप करके ले ली हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक। नमक यहाँ पे स्वाद के अनुसार ऐड करना है। आधा छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा छोटा चम्मच मसाला पाउडर। तो यहाँ पे मैं मिक्स मसाला का यूज कर रही हूँ। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 4 चम्मच बेसन। बेसन ऐड करने के बाद मैं इसे हल्का सा पानी डाल करके मिक्स कर लूंगी, क्योंकि पालक में भी पानी होता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा पानी मैं यहाँ पे ऐड नहीं की हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं मिक्स करके रख ली हूँ, जैसे रोटी वगैरह का आटा लगाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे मैं मिक्स कर ली हूँ। 1 चम्मच सरसों का तेल डाल करके इसे मिक्स करके इस शेप में बना करके रेडी कर लूंगी। आप चाहे तो इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं रेडी कर ली हूँ बना करके। पानी को मैं पहले ही बॉयल होने के लिए रख दी थी। पानी यहाँ पे हमारा बॉयल हो गया है। पानी के ऊपर यहाँ पे मैं एक जाली वाले छन्नी में रख करके स्टीम कर लूंगी। इसे कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए छोड़ दूंगी। तो जब तक यहाँ पे यह स्टीम हो रहा है, तब तक मैं मसाला रेडी कर लेती हूँ। मसाला में मैं यहाँ पे 10 से 12 कली लहसुन ले ली हूँ, 1 चम्मच जीरा, 2 लाल मिर्च, 2 कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच सरसों और आधा चम्मच काली मिर्च। इसे पीस करके मैं रेडी कर लूंगी। तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो चुका है। मैं इस तरीके से इसे चेक कर लूंगी। तो मैं यहाँ पे एक टूथपिक से डाल करके इस तरीके से चेक कर रही हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। मैं इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। ठंडा होने के बाद इसे इस तरीके से पीसेस में कट कर लूंगी। अब चलती हूँ फ्राई करने के प्रोसेस में। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं पैन को गर्म होने के लिए रख दी हूँ। उसमें ऑयल डाल करके इस तरीके से 1 बाय 1 करके फ्राई कर लूंगी। ध्यान रहे, फ्राई करते टाइम गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है, ताकि ये अंदर से बहुत ज्यादा क्रंची हो सके। देख सकते हैं यहाँ पे ये एक साइड से फ्राई हो गया है। तो मैं इसे पलटते हुए दूसरे साइड से भी फ्राई कर लूंगी। यहाँ पे ये दोनों साइड से फ्राई हो चुका है। मैं इसे निकाल करके एक बर्तन में रख लूंगी। सेम पैन में यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता और 2 लाल मिर्च डाल करके पिसा हुआ मसाला ऐड कर दूंगी, जो मैं पहले से ही रेडी करके रखी थी। मसाला ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। फिर मैं इसे मिक्स करते हुए 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लूंगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे मसाला हमारा फ्राई हो रहा है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 चॉप किया हुआ टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लूंगी। तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे टमाटर गल चुका है। तो यहाँ पे हमारा ग्रेवी का मसाला फ्राई होकर के रेडी हो गया है। मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप पानी। ग्रेवी को बॉयल आने तक मैं यहाँ पे पका लूंगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेवी में बॉयल आ गया है। गैस को बंद कर दूंगी। गैस को बंद करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी फ्राई किया हुआ पीसेस। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 चम्मच कस्तूरी मेथी। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सुपर टेस्टी सब्जी बन करके रेडी हो गया है। तो आप भी इस आसान तरीके से पालक की सब्जी बना करके जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।